आज हम जो MA अहिंसा एवं शांति विभाग में जो संघर्ष निराकरण को पढ़ेंगे, संघर्ष निराकरण की टेक्निक जो है, तकनीक वो आज हम देखेंगे कि क्या है। संघर्ष निराकरण जो कि मूल रूप से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, और संघर्ष और निराकरण था दो शब्दों से मेल से बना है, तो ये अपने आप में जो संघर्ष की जो प्रक्रिया है, किस तरह संघर्ष के निराकरण की बात की जाती है, MA अहिंसा एवं शांति विभाग में ये एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। तो संघर्ष निराकरण, संघर्ष किसी भी तरह का संघर्ष हो सकता है, संघर्ष के बारे में जो मूल धारणा रही है कि संघर्ष व्यक्तियों के मध्य भी हो सकता है, संघर्ष दो प्रजातियों के मध्य भी हो सकता है, संघर्ष समूह के मध्य भी हो सकता है, संघर्ष समाज के मध्य भी हो सकता है, संघर्ष दो विचारधाराओं के मध्य भी हो सकता है, इस तरह संघर्ष का जो भी संघर्ष एक देखा जाए तो संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे एक विध्वंस का भी जो विध्वंस भी दिखाई देता है, और उसके अलावा कुछ जो नई जो सिद्धांत के द्वारा कुछ नई चीज़ें भी उभर कर सामने आती है। संघर्ष निराकरण की जो विधियां मुख्य रूप से जो बताई गई है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, उसमें मुख्य रूप से जो बताया गया है संघर्ष की बात की गई है, उसमें संघर्ष निराकरण की जो विधियों में प्रोफेसर जॉन गॉर्टन जो गांधीवादी जो आधार पर प्रस्तुत किए हैं, इस प्रकार उन्होंने कहा है कि संघर्ष का एक संघर्ष से अलग हो जाना, यदि आप ऐसी कई किसी परिस्थिति में हैं या किसी स्थान पे हैं जहां संघर्ष विद्यमान है, तो वहां उस संघर्ष से आप अलग हो सकते हैं, जिसे गांधी ने हिजरत का नाम भी दिया है। इस तरह से यदि आप किसी तरह का आप पर कोई अत्याचार या किसी तरह का आपके साथ संघर्ष हो रहा है या होने की संभावना है, तो आप उस स्थान का त्याग कर दें या उस संघर्ष से दूर हो जाएं। पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि संघर्ष से दूर होना ही संघर्ष का अपने आप निराकरण हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि संघर्ष की जो एक है वो एकता के रूप में यदि हम देखें, तो संघर्ष अपने आप को आप संगठित रूप से एक किसी भी कार्य को करने के लिए संघर्ष बनाता है, और संघर्ष जो बनने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो भी है कि व्यक्ति जब समूह में जब इकट्ठा होता है तभी वह संघर्ष के लिए प्रेरित होता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि समझौता एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब दो या दो से ज़्यादा समूहों, समुदायों या फिर व्यक्तियों के मध्य यदि संघर्ष है, तो वह संघर्ष हिंसक ना बने, इसके लिए उसमें एक समझौते के रूप में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, उनकी जो दोनों की बात को सुना जाता है और दोनों को बातें सुनकर उसको एक समझौते के रूप में एक निश्चित जो दिशा प्रदान की जाती है कि भाई आप अब इसके बाद आप पुनः ये संघर्ष नहीं करेंगे, ये आप दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है, जो भी अपनी अपनी बात थी उन बातों को रखा जाता है और उन बातों के द्वारा एक समझौता किया जाता है जिससे वो दोबारा पुनः संघर्ष ना हो। तो दोनों की जो स्थितियाँ हैं वो दोनों वस्तु स्थितियाँ बताई जाती है और दोनों के मध्य एक जो समझौता पत्र तैयार किया जाता है जिससे आगे भविष्य में भी दोबारा संघर्ष ना हो। तो ये एक अपने आप में संघर्ष का एक जो निराकरण की प्रक्रिया के रूप में आता है। उसके बाद में विरोध का निराकरण, आपको लगता है कि विरोध हो रहा है, विरोध किस प्रकार से हो रहा है, किस पद्धति से हो रहा है, किस तरह से आप विरोध कर रहे हैं, वो भी एक संघर्ष का कारण माना जाता है। आप शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं या अगले को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो आप संघर्ष एक जायज संघर्ष है। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं और सामने वाले पक्ष को भी नुकसान हो रहा है, तो वो संघर्ष की स्थितियाँ आपस में तनाव पैदा करती है। तो इसलिए उस संघर्ष के जो विरोध यदि हम कर रहे हैं, विरोध किसी तरह का आपस में ना हो, किस यदि हो रहा है तो वहाँ संघर्ष एक हिंसक संघर्ष बन सकता है, और ये एक विरोधी जो है वो उसे अपने आप में संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये विरोध जो है, किसी तरह का यदि कोई विरोध है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए, किसी तरह का हमें जो भी तनाव हो उसका विरोध करना चाहिए, और यही विरोधी की जो निराकरण है, विरोध के निराकरण की जो बात की गई है। वार्ताएं अपने आप में एक जो कहा गया है कि वार्ता अलग अलग फेजेज अलग अलग स्तर की हो सकती है, वार्ताएं निम्न स्तर की भी हो सकती है, वार्ताएं उच्च स्तर की भी हो सकती है। वार्ताएं अर्थात दोनों पक्षों के मध्य एक दूसरे को परस्पर एक टेबल पर एक बैठ कर अपनी बात को रखने का, अपनी बात को समझाने का, अपनी बात को करने का एक मंच दिया जाता है,
वहाँ वार्ता रखी जाती है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के जो विचारों की अभिव्यक्ति है, एक दूसरे के भावनाओं की अभिव्यक्ति है, एक दूसरे के द्वारा जो किया गया संघर्ष के कुछ कारण हैं उनकी कुछ आपस में कुछ बातचीत की जाती है, और यही अपने आप में वार्ता कहलाती है। तो वार्ता इसी तरह से दोनों के मध्य जब वार्ता की बात की गई है, तो वार्ता जब दो या दो से ज़्यादा जो संघर्षक पक्ष हैं तो उनके प्रतिनिधि एक मंच पर बैठकर एक जगह बैठकर उसकी दोनों संघर्ष निराकरण के लिए आपस में जो तर्क वितर्क विचार विमर्श करते हैं और आगे के लिए दोबारा यदि ऐसा संघर्ष ना हो इसके लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत करते हैं, वो वार्ता कहलाती है। प्रत्यक्ष वार्ता जो आमने सामने जो दो विरोधी पक्ष हैं, दो संघर्षरत पक्ष हैं, जो आपस में एक दूसरे के संघर्षशील हैं, वो दोनों आपस में आमने सामने बैठकर अपनी समस्या का निपटारा करने के लिए, समस्या का निराकरण करने के लिए, संघर्ष निराकरण के लिए यदि आपस में बातचीत करते हैं वो वार्ता कहलाती है। और अप्रत्यक्ष वार्ता अर्थात हम फेस टू फेस बात ना करते, आमने सामने बात ना करते हुए हम मीडिया के द्वारा, हम अपने विचारों के द्वारा, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच के द्वारा, हम दूसरे मध्यस्थता करने वालों के द्वारा अपनी बात को दूसरे सामने वाले पक्ष तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से वार्ता है। अर्थात हम किसी संघर्ष के कारण को यदि हम स्वीकार रहे हैं, अस्वीकार रहे हैं, या उसके ऊपर हम अपना जो भी अपनी बात है, अपने विचार है, वो हम रख रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भले हम सामने वाले को ना बता रहे हों लेकिन वो उसके पास वो बात जाती है, वो अप्रत्यक्ष वार्ता कहलाती है। तो ये इस तरह से जो संघर्ष निराकरण की विधियों में जो बताया गया है, सबसे पहले इस तरह की यदि बात संघर्ष निराकरण के लिए उपयोगी साबित होती है। अब संघर्ष निराकरण की जो विधियां हैं उसमें यदि हम बात करते हैं कि सबसे पहले सामूहिक सौदेबाजी की आती है। सामूहिक सौदेबाजी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो संघर्ष निराकरण की विधियों के लिए यदि कहा जाए कि जो एक सौदा है, एक सौदेबाजी की तरह बात की जाती है, और एक सामूहिक रूप से जो इकट्ठा होकर जब हित अहित की बात की जाती है तो वो एक सामूहिक सौदेबाजी के रूप में सामने आती है, और ये संघर्ष निराकरण में बहुत उपयोगी साबित होती है। यदि आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, यदि आपको नुकसान हुआ है या उसकी भरपाई के लिए आप कुछ अर्थदंड है या अन्य इसी तरह का आपके साथ कुछ जो बातचीत की गई है वो सामूहिक सौदेबाजी में आती है। शुभ कार्य, गुड ऑफिसेज, विश्व में कुछ ऐसी संस्थाएं बनी हुई है, विश्व के स्तर पर कुछ ऐसे जो संस्थाएं बनी हुई है जो कि संघर्ष निराकरण के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है, जैसा कि यूएनओ को लिया जा सकता है। यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो एक ऐसा कार्यालय है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई भी राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के साथ यदि संघर्षरत है या संघर्ष के लिए प्रयासरत है तो उस संघर्ष को मिटाने के लिए वो बीच में मध्यस्थता करता है और उस संघर्ष को दूर किया जा सकता है। दोनों पक्षों की सुनता है, दोनों पक्षों की सुनने के बाद में उनको एक निर्णय पर ले जाता है। और यूएनओ का हस्तक्षेप यदि हो रहा है तो यूएनओ कोई बात भी माननी पड़ेगी, ये वहाँ की एक शर्त है। यूएनओ के द्वारा यदि कोई डिसीजन दिया गया है, यदि यूएनओ में आप अपना मैटर ले जाते हो, यूएनओ में आप अपना वाद विवाद यदि ले जाते हो, तो वहाँ यूएनओ के द्वारा जो दिया गया फैसला है वो भी आपको स्वीकार्य करना होगा। तो ये ऐसे अनेकों जो कार्यालय जो विश्व स्तर पर बने हुए हैं जो कि विश्व के कोई भी यदि जो विवाद हैं उसको निपटाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद है, इस तरह के जो कार्यालय हैं वो अपने आप में जो शुभ कार्य को शुभ कार्यालय के रूप में, गुड ऑफिसेस के रूप में कार्य करते हैं। ये एक अपने आप में संघर्ष निराकरण का एक अच्छा माध्यम माना गया है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं वो भी काफ़ी स्तर पर जो बड़े स्तर पर जो काम कर रही है तो वो भी कई ऐसे संघर्षों को निपटाने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहती है। उसके बाद में हम बात करते हैं वाद विवाद की। वाद विवाद जब तक हमारे में डिबेट ना होगी, जब तक हम आपस में बातचीत ना करेंगे, डायलॉग्स ना करेंगे, तब तक हम अपने आप की जो संघर्ष है उसको निराकरण नहीं कर सकते। ऐसा कहा गया है कि जब तक आप में बातचीत होती रहे तब तक संघर्ष आगे नहीं बढ़ता। जब बातचीत यदि बंद हो जाती है तो संघर्ष एक विकराल रूप ले लेता है। तो दो व्यक्तियों या दो राष्ट्रों के मध्य जब वाद विवाद जब होता रहे तो वो अपने आप एक समस्या का एक समाधान, एक संघर्ष का समाधान की ओर ले जाता है। तो ये वाद विवाद इसलिए भी जरूरी है कि वो संघर्ष निराकरण में काम आए, तो संघर्ष निराकरण की विधियां भी इसमें जुड़ जाए। जांच से यह तात्पर्य है कि जो भी कार्य हुआ है, जो भी संघर्ष हुआ है, संघर्ष के किस रूप में हुआ है, किस तरह से हुआ है, तो इस तरह की कुछ जाँच एजेंसियाँ बनी हुई है, जाँच जो
बड़ी बड़ी जांच की जो कंपनियां बनी हुई है या जांच की जो करने वाले जो समितियां बनी हुई है, वो समितियां उस समस्या के तह तक जाती है। जैसे कोई मान लो सीमा विवाद है या कोई आक्रमण का है कि किसी ने किसी क्षेत्र में घुसपैठ कर दी है, यदि आप वहाँ जो उसकी जांच करते हैं, उसकी जांच तह तक यदि जाते हैं, तो उस जांच को स्वीकार्य माना जाता है कि जिसने भी गलती की है उसको उसका जो दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि जो जांच करवाई जाए, संघर्ष निराकरण की विधियों में जांच भी एक अपने आप में एक मुख्य बिंदु माना गया। मध्यस्थता की बात की जाती है, तो मध्यस्थता में यदि मैं कहूँ कि मध्यस्थता मीडिएटर के बिना किसी भी समस्या का समाधान मुश्किल है, क्योंकि जब दो पक्ष तनाव या तनाव के मध्य या विवादित जो दो पक्ष हैं वो आपस में किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहते, किसी तरह का कोई विवाद नहीं सुलझाना चाहते, तो वहाँ वो अपनी बात केवल मध्यस्थ पक्ष को सुना सकते हैं, मध्यस्थ पक्ष को कह सकते हैं या मध्यस्थ को अपनी बात रख सकते हैं, जिसके द्वारा वो बात अगले तक पहुँच जाए और वो भी जो दोनों पक्ष हैं उस मध्यस्थ पर भरोसा करके वो अपनी बात, अपने विवाद या अपना जो भी संघर्ष का कारण रहा है या जो संघर्ष का विवादित जो इश्यूज रहे हैं विपक्ष जो, उनको मिटाने के लिए वो उस मध्यस्थ जो व्यक्ति कर रहा है, जो संस्था कर रही है, वो दोनों की बात सुनेंगे और दोनों को एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर ले जाकर फिर उन दोनों को दोनों की समस्याओं का निपटारा करेंगे और फिर बाद में उन दोनों के मध्य एक संधि या इस तरह से आपस में जो मध्यस्थता करते हुए समझौता करवाएंगे कि आप भविष्य में इस तरह की दोबारा जो गलती की है वो नहीं करेंगे और आपस में किसी तरह का कोई भी संघर्ष नहीं करेंगे। ये मीडिएटर का जो भूमिका है वो काफ़ी विवादों में जो प्रभावशाली जो व्यक्ति है, प्रभावशाली राष्ट्र है, प्रभावशाली संस्थाएं हैं, वो ही मीडिएटर मध्यस्थता करती है ताकि वो दोनों जो संघर्षरत या संघर्षशील जो लोग हैं या जो संस्थाएं हैं वो आपस में उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। तो ये मध्यस्थता भी अपने आप में एक संघर्ष निराकरण की विधि के रूप में काम आता है। आगे यदि हम बात करते हैं संघर्ष निराकरण के बाद में, तो संघर्ष निराकरण को जो नेक्स्ट है वो यदि बात की जाती है तो वो है विधियों में अब जो बात की गई है संघर्ष निराकरण की वो आपके जैन यदि टेक्निक से यदि हम बात करते हैं, जैन फिलोसॉफी की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं, तो जैन फिलोसॉफी ये कहती है कि संघर्ष निराकरण के लिए सबसे पहले आपको अनेकांत दृष्टिकोण होना बहुत ज़रूरी है। अनेकांत दृष्टिकोण जब तक आप नहीं होंगे तब तक आप संघर्ष को मिटाने के लिए या संघर्ष की जो पद्धति है जो वो जैन दृष्टिकोण से यदि आप करेंगे तो वो लंबे समय तक वो आपके साथ रहेगी, वो आपका जो आपने जो फैसला लिया है वो लंबे समय तक आप पर कारगर करेगा। तो इसके रूप में यदि हम देखा जाए तो अनेकांत की जो भूमिका है जैन दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो अनेक प्लस जो अनेकांत का जो यदि हम देखें तो अनेक दृष्टिकोणों से यदि किसी चीज़ को देखना वो अनेकांत कहलाता है। अनेकांत अपने आप में अनेकांत की यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो वैश्विक परिदृश्य में अनेकांत अनेक रूपों में हमें देखने को मिलता है, अनेक दृष्टिकोणों से देखने को मिलता है, अनेक तरह की जो स्थितियां हैं उनको दूर करने के लिए अनेकांत की भूमिका मुख्य रही है। अनेकांत अपने आप में एक जो ऐसा पक्ष है जो किसी भी विवाद को निपटाने के लिए, किसी भी विवाद को निपटाने से के लिए दूर करने के लिए अनेकांत की भूमिका बहुत सराहनीय रही है। अनेकांत को जब देखा जाता है तो अनेकांत को यदि हम एक उदाहरण के रूप में यदि मैं आपको समझाऊं, तो यदि दो संघर्ष पक्ष हैं और वो किसी एक विवाद पर या किसी मुद्दे पर विवाद कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यदि बात रखते हैं कि वो उस पक्ष के बारे में अलग अलग उनका दृष्टिकोण है। जैसे एक हाथी का उदाहरण दिया जाता है अनेकांत में कि एक व्यक्ति जब अंधा व्यक्ति जब उसकी जब गर्दन पे हाथ लगाता है तो वो कहता है ये तो कोई कठोर चीज़ है, कोई कान पे हाथ लगाता है तो वो कहता है ये तो पर्दा है, कोई पूंछ पे हाथ लगाता है तो कहता है ये, पैर पे हाथ लगाता है तो कहता है स्तंभ है। इस तरह से अनेक
उनकी जो चीज़ है, लेकिन वो अंततः अनेक दृष्टिकोणों से जब देखता है, अंततः फिर वो एक ही व्यक्ति है। जब सभी अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं तो वो अंततः एक ही व्यक्ति है जो निकलता है, वो हाथी निकलता है। तो इस तरह से जब हम किसी भी एक पक्ष को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं तो वो, जैसे यही संघर्ष निराकरण में भी कहा गया है, संघर्ष निराकरण में भी यदि एक पक्ष के रूप में यदि हम उस संघर्ष को देखते हैं तो वो संघर्ष कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। उसके लिए हमें उसे अनेकों दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा। यही अनेकांत कहता है कि आपको उसकी अच्छाई भी देखनी है, आपको उसकी बुराई भी देखनी है, आपको जो भी किसी रूप में वो काम कर रहा है, किस रूप में उसका परिणाम है, किस रूप में वो है, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी है। वही अनेकांत जो पृष्ठभूमि है, दार्शनिक पृष्ठभूमि के रूप में उसको देखना है। आज वर्तमान समय में जो इसमें अनेकांत युग की जो बात की गई है, आज वर्तमान समय में जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, अपनी बात को श्रेष्ठ बताता है, अपने द्वारा दिए गए विचार या अपने द्वारा दिए गए जो भी कोई सिद्धांत है वो ही श्रेष्ठ मानता है। तो ये अपने आप में एक संघर्ष का कारण माना गया। तो संघर्ष निराकरण में हम अगले की भी सुने, हम अपनी बात को भी रखें, और दोनों के बीच में जो किसी तरह का विवाद ना हो, किसी तरह की आपस में कोई तनाव ना हो, इसका हम ध्यान रखते हुए अपनी बातों को उनके साथ शेयर करें और सामने वाले की बात को भी सुने। तो ये जो आज वर्तमान युग में अत्यंत इसकी आवश्यकता है अनेकांत की। अनेकांत अपने आप में आज जो दृष्टिकोण है वो वैश्विक स्तर की अनेकों समस्याओं को मिटाने के लिए अनेकांत की भूमिका सर्वोपरि रही है। अनेकांत का जैन फिलोसफी की दृष्टि से, जैन दृष्टिकोण की यदि हम देखें, जैन दार्शनिक पृष्ठभूमि को यदि देखते हैं, तो यह अनेकों बड़ी बड़ी जो समस्याएं रही है उनको निपटाने के लिए अनेकांत की भूमिका रही है। आज युद्ध या युद्ध संघर्षरत कोई पक्ष है तो वहाँ उस संघर्ष को दूर करने के लिए अनेकांत अपने आप में एक श्रेष्ठ सिद्धांत साबित हुआ है, एक श्रेष्ठ एक पूंजी के रूप में, एक श्रेष्ठ जो एक हथियार के रूप में वो काम हुआ है। इसलिए अनेकांत को आवश्यक रूप से जो संघर्ष निराकरण की विधि के रूप में माना गया। वर्तमान में आप देखेंगे, चाहे वो अनेकांत है, चाहे क्षेत्रीयतावाद है, चाहे वो परिवारवाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, इन सब चीज़ जो जितने भी संघर्ष के कारण रहे हैं, समाज में जो अशांति के कारण रहे हैं, या वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें, भौगोलिक यदि स्थितियों को देखें, चाहे वो आतंकवाद है या वैश्विक समस्या जो पर्यावरण है, या फिर क्षेत्रवाद है, या जो भी आज शस्त्रीकरण है, इन सबको यदि अनेकांत दृष्टिकोण से यदि निपटाया जाए तो ये समस्याएं सब की सब समाप्त हो सकती है। यदि किसी भी एक समस्या को विभिन्न पक्षों से देखा जाए, आज जैसा कि कहा गया है कि मान लो वैश्विक परिदृश्य में यदि पर्यावरण जो क्षति हो रही है, या वैश्विक जो आज आर्थिक मंदी आ रही है, या इस तरह के आपस में जो तनाव के जो कारण बन रहे हैं उनको कैसे निपटाया जाए, तो उनकी तह तक जाकर उनके जो लाभ हानि, उनके निर्माण, उनके कारण, वो सारी चीज़ें यदि हम देखा जाए, किस तरह से बना है, क्या है, और किस तरह की उनके साथ जो प्रवृत्ति जुड़ी हुई है, तो वो अपने आप में अनेकांत उस समस्या का समाधान कर सकता है। अगला, पारिवारिक वैमनस्य और अनेकांत। परिवार में भी हम देखते हैं कि अनेकों कारण रहे हैं कि जहाँ संघर्ष विद्यमान रहा है, चाहे वो भाई भतीजे के रूप में रहा है, माता पिता के रूप में अपनी बच्चों के साथ रहा है, पति पत्नी का विवाद रहा है, तो इस तरह के जो विवाद होते हैं तो वो परिवार को तोड़ते हैं। तो परिवार को तोड़ते हैं, परिवार के साथ साथ कुछ ऐसी उसमें कुछ चीज़ें जो अंदर घुस जाती है, जैसे दहेज है, कुछ रूढ़ियाँ हैं, कुछ रीति रिवाज है, कुछ सामाजिक कुरूतियाँ हैं, ये पारिवारिक वैमनस्य को, पारिवारिक जो संघर्ष को और ज़्यादा बढ़ाती है। तो इस संघर्ष को दूर करने के लिए उन्होंने कहा परिवार में अनेकांत की दृष्टि से हमें देखना है कि परिवार को किस तरह बचाया जा सके, जो भी संघर्षरत पक्ष हैं उनको अनेकांत दृष्टिकोण से समझाया जाए कि यदि कैसे आप अनेकांत के द्वारा उस समस्या को दूर कर सकते हैं, अनेक दृष्टिकोणों से उसे देखा जाए तो वहाँ कुछ उसकी अच्छाइयाँ भी दिखेगी, कुछ बुराइयाँ दिखेगी, तो उन बुराइयों को वहाँ से समाप्त किया जा सकता है और परिवार में वैमनस्य बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई आपस में पति पत्नी में यदि कोई विवाद है, उस विवाद का जो कारण है, मुख्य कारण है, मान लो पैसा है या धन है या कोई वैचारिक विभिन्नता है, तो उसको उस अनेकांत दृष्टिकोण से देखा जाए। यदि पैसा है तो उसे पैसे की दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए कि पैसा क्यों नहीं है, क्यों व्यर्थ लग रहा है, इस तरह की जो धारणाएँ हैं उसके साथ जुड़ी हुई है, वो अनेकांत पारिवारिक दृष्टिकोण में भी अनेकांत की भूमिका मुख्य रही है। अब सांप्रदायिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण में भी जो अनेकांत की भूमिका है, बहुत ज़्यादा हम देखेंगे, जब भी
सांप्रदायिक दृष्टि, जब भी दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक स्थितियाँ जब हुई है या सांप्रदायिकता जब फैली है, तो उस समय भी हमारे अनेकांत ने अनेकों जो भूमिकाएं थी अपनी जो जो रूप में उन्होंने देखा और उनको निपटाने के लिए उन्होंने काम किया। जैसा कि आज कोई भी विवाद होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो सांप्रदायिकता की बात करें या राष्ट्रीय स्तर पे सांप्रदायिकता की हम बात करते हैं, तो मूल रूप से जो धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो धर्म के रूप में जो लोगों को बताया गया है, धर्म के रूप में जो लोगों को कहा गया है कि किस तरह से धर्म को गलत लोगों के सामने पेश किया जाता है, लोगों दूसरे धर्मों की अवहेलना की जाती है, दूसरे धर्मों को गलत बताया जाता है या उनके सिद्धांतों को गलत बताया है या उनके द्वारा किए गए कार्यों को गलत बताया जाता है, तो इस तरह की जब प्रवृत्ति जब आ जाती है तो उस समय उनको सुलझाने के लिए अनेकांत अपने आप में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। अनेकांत की जो भूमिका है वो अपने आप में उस समस्या को निपटारे के लिए, समस्या को दूर करने के लिए काम आती है। सांप्रदायिक किस तरह का विवाद है, किस कारण सांप्रदायिकता बढ़ रही है, किस कारण से जो आपस में तनाव बढ़ रहा है, और उसको दूर करने के लिए अनेकांत, यदि ईश्वर की बात की जाए, अल्लाह की बात की जाए, तो उनको समझाने के लिए अनेकांत काफ़ी दूर सांप्रदायिक स्थितियों को नियंत्रण में ला सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसा मैंने आपको कहा कि चाहे अनेकांत की बात हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिका उसने छोड़ रखी है। अनेकांत जो है कि विश्व वैश्विक समस्याओं को निपटाने के लिए, चाहे वो शस्त्रीकरण की हो, आतंकवाद की हो, या अन्य कोई भौगोलिक जो वर्तमान में जो पर्यावरण चिंतन की परीक्षा है, जो दिक्कतें आ रही है, इन सबको दूर करने के लिए भी अनेकांत ने अपनी भूमिका निभाई है। शस्त्रीकरण के बारे में उन्होंने कहा है कि शस्त्रों से किसी का भला नहीं हो सकता, इसलिए शस्त्रों को दोनों पक्षों से देखा जाए, एक तो उनका आर्थिक पक्ष देखा जाए, दूसरा नुकसान जो पर्यावरण दृष्टिकोण से देखा जाए, तीसरा जो पर्यावरणीय कचरे के रूप में वो इस पृथ्वी पर जो ढेर बनता जा रहा है, और चौथा वो एक चिंगारी के रूप में है कि पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। इसलिए अनेकों उसके दृष्टिकोणों के यदि हम समझेंगे तो उस समस्या से अपने आप ही निपटारा हो जाएगा। और सापेक्ष दृष्टिकोण की यदि बात की जाए, तो सापेक्ष दृष्टिकोण में यदि हम देखते हैं, तो सापेक्ष दृष्टिकोण भी जो अनेकांत को काफ़ी नज़दीक लेके जाता है संघर्ष निराकरण में। सापेक्ष, जब हम प्रत्यक्ष रूप से जब सामने समस्या को देखते हैं और निपटाने के लिए या उसको दूर करने के लिए कार्य करते हैं, तो ये अपने आप में एक जो साहसिक कार्य के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सापेक्ष दृष्टिकोण भी काम आता है। अहिंसा के विकास और सापेक्षता में भी सहायक है। अहिंसा का विकास तो मुख्य रूप से, जब यदि हम अनेकांत की बात करते हैं, संघर्ष निराकरण है, तो अहिंसा का विकास तो होगा ही होगा। जब हम अहिंसा के विकास की जब बात करते हैं, तो ही संभव है कि ये सारी चीज़ें संभव है। अहिंसा नहीं होगी तो हम अनेकांत की बात भी नहीं कर सकते। तो अहिंसा का विकास जो है अनेकांत के कारण ही संभव है, अनेकांत दृष्टिकोण के कारण ही संभव है, और अनेकांत जब बढ़ेगा तो अहिंसा अपने आप ही बढ़ेगी। तो ये जो कुछ इस तरह से बताया गया, अहिंसा के विकास के लिए भी अनेकांत की जो मुख्य भूमिका रही है, किस तरह से अनेकांत अपने द्वारा जो सिद्धांत को बढ़ाता है, तो अहिंसा भी अपने आप बढ़ती है उसमें। जो प्रेम, भाईचारा, मैत्री, एक दूसरे के प्रति जो सहनशील जो है, सापेक्षता है, सही सुनता है, ये सारे जो रूप हैं वो सारे के सारे अनेकांत के द्वारा ही बनाए जाते हैं, और इसके पीछे जो मुख्य भूमिका है वो ही अहिंसा की रही है। तो ये इस तरह से हम बात करते हैं इनके बारे में, तो काफ़ी हद तक हमें पता चलता है कि हम संघर्ष निराकरण के लिए अनेकांत की भूमिका है जो मुख्य रही है। अब यदि बात करते हैं संघर्ष निराकरण की, जो जैन विधि में यदि हम जाते हैं, तो जैन विधि में मुख्य रूप से जैसे अनेकांत को ही लिया गया है, उसके बाद में आध्यात्म जगत सापेक्षता का यदि प्रयोग किया जाता है कि सापेक्ष रूप से यदि हम संघर्ष निराकरण को यदि हम देखते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से जो बात की गई है वो है आध्यात्म जगत की बात की गई है, सामाजिक क्षेत्र की बात की गई है, आर्थिक क्षेत्र की बात की गई है, सामुदायिक क्षेत्र की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बात की गई है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र के द्वारा अनेकांत जो अपनी भूमिका रखता है कि सभी धर्मों में विश्वास और सभी धर्मों में के दर्शन का विश्वास, सभी धर्मों का आदर करना, सभी धर्मों के जो अच्छाइयाँ हैं उनको आगे बढ़ाना, यही मुख्य रूप से जो अनेकांत का जो भूमिका रही है उसमें, ये सबसे बड़ी बात यही रही है। आध्यात्म जगत को जितना हो सके उतना वो विस्तार पूर्वक, उन्होंने कहा कि इसमें आप अपना जो अध्यात्म के द्वारा लोगों को शांति और अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया जाएगा, जो उनके धर्मों में जो बात की गई है, संघर्ष किसी तरह से किसी का भला नहीं कर सका है, संघर्ष कभी भी किसी को
आगे नहीं बढ़ा सका है। तो ये इस तरह से उन्होंने कहा है कि संघर्ष हमेशा विनाश का ही रूप रहा है। सामाजिक क्षेत्र में जो सामाजिक क्षेत्र में जितने भी जो कार्य रहे हैं, समाज स्तर पर जो संघर्ष के जो भी कारण रहे हैं जो सामाजिक स्तर पर, उनको निपटाने के लिए जो संघर्ष निराकरण में जैन विधि है, जिसमें हम अब देखते हैं कि ये सारे के सारे जो समाज स्तर पर, चाहे अंधविश्वास की बात की जाए, चाहे आपसी संघर्ष की बात की जा रही है, चाहे वो किसी न किसी रूप में जो विकृतियाँ यदि समाज में आ रही है, तो उसे दूर करने के लिए अन्यकांत विधि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ साबित हुई है। आर्थिक क्षेत्र में यदि बात की जाए, तो आर्थिक क्षेत्र में यदि संघर्ष का मुख्य कारण जो माना गया है, वो माना गया है कि हम अपने अर्थ के लिए लोगों के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों के साथ कम तोल रहे हैं, लोगों के साथ आप गलत चीज़ दे रहे हैं, मिलावटी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर उनसे अतिरिक्त मूल्य ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि संघर्ष के कारण रहे हैं। तो इन्हें जैन दर्शन कहता है कि ये अनेकांत में यदि इस चीज़ों को यदि आप ना करें, तो आप संघर्ष का निराकरण कर सकते हैं। आप सही काम करें, सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक अपना अर्थ को व्यवस्थित करें, तो ये सारी चीज़ें उसमें काम आ सकती है। सांप्रदायिक क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी जो मैंने आपको कहा कि अनेकों ऐसे मुद्दे रहे हैं जो संघर्ष के कारण रहे हैं, उनके जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करने के लिए वो हमेशा जैन अनेक विधियों का जो काम में लिया जाता है, उनमें अनेकांत ही प्रमुख रूप से काम आई है। सहअस्तित्व सबसे बड़ी चीज़ बताई गई है। अनेकांत या जैन दर्शन की यदि बात की जाती है, तो सहअस्तित्व को सबसे बड़ा माना गया है। सहअस्तित्व एक दूसरे को सहन करना, चाहे आप एक जीव हैं और उसके अलावा आप मनुष्य हैं, तो मनुष्यों में भी आप जो जीवों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको एक दूसरे को सहन करना, एक दूसरे की जो विचारों को सहन करना, एक दूसरे की भावनाओं या एक दूसरे के जो भी मतभेद है उनको भुलाकर आप उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ना, यही जो बात की गई है वो सह अस्तित्व की बात की गई है। यदि आपका अस्तित्व है और आपके पड़ोसी का भी अस्तित्व है, तो ही आपका अस्तित्व जिंदा रह सकता है। यदि आप अकेले रहना चाहते हैं, अकेले आप अपना अस्तित्व के लिए लड़ना चाहते हैं, तो दुनिया में फिर आप दूसरों के लिए आप नहीं काम कर सकते, दूसरों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, और आपका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ये सह अस्तित्व की, हमारा यदि अस्तित्व है तो दूसरों का भी अस्तित्व है, इसी धारणा को हमें ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सह अस्तित्व चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, और जो कि मुख्य रूप से सामुदायिक क्षेत्र में यदि बात की जाए, तो परिवार समाज में जहाँ बात आती है अपने अस्तित्व की, तो वो अनेकांत कहता है कि ये कहीं ना कहीं संघर्ष के ये भी कारण रहे हैं कि व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। तो उन्हें भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से यदि हमारा, हम अपने अस्तित्व के साथ साथ दूसरों के अस्तित्व की भी यदि बात करते हैं, तभी वो संभव है। तो ये सह अस्तित्व के लिए संघर्ष निराकरण की जो मुख्य बात बताइए कि अपने हम भी उसका जो समाज में रहकर दूसरों के अस्तित्व का ध्यान रखें। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो मुख्य रूप से जो कहा संघर्ष निराकरण की जैन विधि में अर्थ, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सहिष्णुता के, उन्होंने कहा कि सहिष्णुता अर्थात सहन करना। जैन विधि कहती है कि यदि आप एक दूसरे को सहन करना सीख गए, आप दूसरों के विचारों को आप सुनना सीख गए, दूसरों की अभिव्यक्ति को आप सुनना सीख गए, दूसरों के जो भी सिद्धांत है या जो भी अन्य जो उनकी जो अभिव्यक्ति के साधन है, यदि आप उनको सुनना या समझना सीख गए, तो आप अपने आप में संघर्ष को टाल सकते हैं या संघर्ष को संघर्ष से दूर हो सकते हैं। तो ये सहिष्णुता अर्थात एक दूसरे को सहन करना और उनके किसी भी तरह का उनके साथ कोई भी विवाद ना करना, वो ही संघर्ष निराकरण का जो मुख्य बिंदु कहलाता है। और इसकी आवश्यकता इसीलिए मानी गई है कि जब संघर्ष होता है तो उसमें एक दूसरे की जो भावनाएं हैं, एक दूसरे के विचार हैं, एक दूसरे की जो बातें हैं, उनमें उनको लेकर ज़्यादा संघर्ष होता है। तो उन्होंने कहा कि जब हम एक दूसरे को सहन करना सीख लेंगे, तो हमें इसकी कहीं भी इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी कि हमें संघर्ष हो या संघर्ष के तत्व वहाँ विद्यमान हो। सहिष्णुता का विकास, सहिष्णुता के विकास के लिए हमें प्रेम, भाईचारा, मैत्री, इस तरह के गुणों का विकास करना होगा। हमें एक दूसरे को जो बात है वो उनको बातों को समझना होगा, एक दूसरे के जो कार्य हैं उनको समझना होगा, और एक दूसरे को आदर सम्मान देना होगा, तभी हम सहिष्णुता की बात कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से जो बात बताई गई है सहिष्णुता के लिए। और जो मुख्य रूप से जो सहिष्णुता के लिए जो कहा गया है उसमें यही है कि सहिष्णुता के विकास के लिए हमें इस तरह के जो धारणाएं हैं उनको मानना पड़ेगा।
संघर्ष निराकरण के लिए जो गांधीवादी तकनीक, जो सत्याग्रह के बारे में बात की गई है, सत्याग्रह की जो टेक्निक है, सत्याग्रह की जो बात है, वो अपने आप में अपनी जो विवादों को निपटाने के लिए, संघर्षों को निपटाने के लिए सत्याग्रह एक जो गांधीवादी विधि के रूप में काम किया है उसने। और जो सत्याग्रह शब्द में ही है, सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात जो भी सत्य है उसके लिए आप कार्य करेंगे और उसी बात को समझाने का प्रयास करेंगे। सत्याग्रह के इतिहास की बात की जाती है तो सत्याग्रह का इतिहास गांधी के जीवन के साथ ही जुड़ा हुआ है। वो दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो भारत में उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन में इसको पूर्ण रूप से लागू किया। सत्याग्रह वही सत्याग्रह है जो कि गांधी के मूल रूप से यदि देखा जाए तो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और जो सिद्धांतों पर निर्भर है, जो व्यक्ति इन सब सिद्धांतों की पालना करता है, इन पर चलने के लिए तैयार रहता है, वही सत्याग्रही बन सकता है। और इसके लिए उन्होंने कहा सत्याग्रह के द्वारा आप किसी भी हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते, हिंसक साधनों को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते, किसी तरह के झोर, व्यभिचार और गलत कार्य, किसी को प्रताड़ना, किसी को जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी हिंसा का बोलबाला नहीं हो सकता। सत्याग्रह अपने आप में एक जो सिद्धांत के रूप में, एक व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में काम करता है और व्यक्ति उस सिद्धांत पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये संघर्ष निराकरण की एक बहुत बड़ी जो गांधीवादी तकनीक मानी गई। हिंदुस्तान में जो सामूहिक सत्याग्रह हुए हैं उन सत्याग्रहों में उन्होंने कहा है कि ये ही मुख्य रूप से देखा गया है कि वो केवल व्यक्ति के विकास के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के विनाश के लिए नहीं करते। तो ये चीज़ें जो गांधी के सत्याग्रह के बारे में यदि बात की जाती है तो वो भी एक जो संघर्ष निराकरण की तकनीक के रूप में काम करती है। तो हमें ये देखना है कि गांधी विधियों के साथ साथ जो जैन विधियां हैं, अनेकांत है, संघर्ष निराकरण की जो विधियां हैं, सहअस्तित्व है, सहिष्णुता है, उसके अलावा जो अन्य जो विधियां हैं उन सब विधियों को काम में लेना है ताकि वो संघर्ष के रूप में, संघर्ष निराकरण के रूप में काम कर सके। और जो मुख्य जैसी संस्थाएं हैं जो शुभ कार्य से जुड़ी हुई है, वाद विवाद से जुड़ी हुई है, जांच से है और मध्यस्थता है, इस तरह की जो विधियां हैं ये अपने आप में संघर्ष निराकरण को मजबूत बनाती है। तो ये इन तरह की विधियों को हमें देखना है, जांचना है और किस तरह से हम काम कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।